गुरु गोरखनाथ ने तपस्या करी। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी? 66,000 मंत्रों को तप किया, मिल मिल बाबा जी ने यहाँ तपस्या करी। तो दोस्तों, अभी नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के उपरांत हम लोग निकल चुके हैं झिलमिल गुफा की ओर। और मैं बताऊं, झिलमिल गुफा का अपने आप में बहुत ही पौराणिक महत्व रखता है इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से। चलिए, वहां पहुंच के सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराते हैं। पहले यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया इन लोगों का, फॉरेनर्स हैं। ठीक है, सब संभाल गए। डिग्गी में डालो, डिग्गी में। चोट लगी क्या भाई? ये मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। इन जगहों पे हमेशा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो तुरंत एक्सीडेंट होने की संभावना है। एक बार रास्ता देखिए आप लोग, उधर गहराई देखिए और इधर का रास्ता देखिए, आपको अंदाजा लग सकता है और लग ही जाएगा कि कितना ज्यादा एडवेंचरस है ये। बता तो रहा है इधर ही है झिलमिल गुफा, किधर है पता नहीं। ये तो बता रहे झिलमिल गुफा, सूर्य देखिए एकदम सीधा आ रहा है भाई साहब, सीधा भोले बाबा यहाँ पे। क्यों पंडित जी, झिलमिल गुफा की देर है, कितना दूर होगा? 2 मिनट रास्ता। गाड़ी तो नहीं जाएगी ना? यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, और झिलमिल गुफा में क्या है? गुफा है, गुरु गोरखनाथ ने तपस्या करी। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी? 66,000 मंत्रों को तप किया, मिल मिल बाबा जी ने यहाँ तपस्या करी। ऋषिकेश से डेली 12 साल तक जल चढ़ाया। ऋषिकेश से यहाँ आते थे डेली? कौन बाबा? मिल मिल बाबा जी। मिल मिल बाबा जी नीचे उनकी सदामी है। अच्छा 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 अच्छा। गुरु अमराज आए थे यहाँ तपस्या करने, आला जी की। अच्छा, गुरु आला मध्य प्रदेश की। हाँ, आला उदल ना। हाँ, उनके गुरु आए थे, गुरु अमरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तपस्या करने। ओ वेरी गुड। तप भूमि है, अंग्रेजन करके गई 12 साल तपस्या। कौन? अंग्रेज। कौन अंग्रेज? विदेश से एक लेडीज आई थी यहाँ दर्शन करने के लिए। तो उनको अच्छा लगा? अच्छा लगा, शांति मिली। हाँ, तो उन्होंने रुक गई, बाबा थी वो। अच्छा, 12 साल तक तपस्या करके फिर उनका वीजा खत्म हो गया था तो चली गई। अभी आई थी 60-70 लोग लेके आई थे दर्शन करने। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं गुजर बसर हो जाता है सबको। और क्या, सब भगवान। अच्छा, उधर उधर भी मंदिर है क्या, वो वाले पहाड़ी पे? हाँ, काली माता का मंदिर है। तो ये था भाई, डिटेल था इस मंदिर के बारे में। चलिए भैया, चलते हैं उस गुफा के पास, देखते हैं क्या क्या है। गोरखनाथ बाबा ने यहाँ पे तप किया था? हाँ। अच्छा, सब कुछ झिलमिल गुफा में। चलिए, अच्छा ये पार्वती जी का मंदिर भी था ना, वो किधर है? वो आप ऊपर को आते शॉर्टकट। अच्छा, रास्ते में वो छूट गया हम लोगों से। चलिए करके आते हैं। रास्ता इधर है झिलमिल गुफा की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रास्ता कितना एडवेंचरस है। देख रहे कितनी गहरी यहाँ पे खाई है। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं झिलमिल गुफा में। फोटो ले, देखो तो ले।
गुफाएं ये हैं ऊपर, ये तो छोटी छोटी गुफाएं हैं। अभी आपको दिखाते हैं आगे चल के मुख्य गुफा। यही है क्या? अरे 20-20 फुट के गाटर है, चल जाएंगे। 20 फुट के गाटर है, कटा हुआ नहीं है, 20-20 फुट के गाटर पड़े हैं महाराज जी के पास, चला लोगे? काटने नहीं है वो, कहीं काट दो। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करना चाहते हैं तो ये गुफाएं हैं, यहाँ पे अंदर आप बैठ के कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं अपने आप को। चित्रकारी भी हनुमान जी की किसी बनाया, यहाँ पत्थर पे देखिए चित्रकारी भजन बलि की बनी हुई है, यहाँ पर जाके आप ध्यान दे दीजिए। बाकी यहाँ बहुत ही अद्भुत माहौल है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने धर्म में फॉरेनर्स की कितनी फेथ है। देखिए यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह भी आई हैं, इनकी भी काफ़ी फेथ है इन सब चीज़ों में। वो देखो सामने एक और बंदी दिख रहा है, सूर्य इधर आओ। वाकई में बहुत टफ चढ़ाई है यहाँ पे, और काफ़ी डेंजरस टाइप का मोमेंट फील होता है अंदर में, और जैसे कि अभी हम लोग एक बार स्लिप भी कर गए थे। और वाकई में लोकेशन के बारे में, लोकेशन देखा जाए तो सो लवली, मतलब जितना भी इसका बखान कर सकते हो उतना लगता है जैसे नेचर ने खुद इसको मतलब श्रृंगार किया हो, यहाँ बैठ के बनाया है, हफ्ते और बैठ के फिर हाथों से इसको खूबसूरती को संवारा हो। और बस यही कहूँगा, जब भी मौका लगे यहाँ जरूर आइए। थैंक यू। फिर हम लोग चौकते हैं ऊपर, संभाल के हाँ, क्योंकि काफ़ी डेंजरस चढ़ाई है। आराम से आ सकती। देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं, इसका आप अंदाजा बगल में जो गुफा खाई है उसको देखे लगा सकते हैं। आप रूट देख सकते हैं, रास्ता देख के आपको अंदाजा लग सकता है कितना खतरनाक है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन। चलो घर बाई। देखिए यहाँ का गांव में दिखाऊं आपको, यहाँ देखिए ग्राम पंचायत कोठार जो है ये गांव है, और यहाँ के घर आप देखिए कितने दूर दूर पे बने हुए हैं, और इतने दूर पे बने हुए कि अपने पड़ोस में ही जाने के लिए सोचना पड़े। तो एक तरीके से देखिए तो खूबसूरत तो बहुत है पहाड़, लेकिन वहाँ यहाँ जीवन यापन करने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा यहाँ के स्थानीय लोगों को।
ट्रैकिंग से लौटते लौटते शाम हो चुके हैं और ये देखिए राफ्टिंग करने वाले अब बैक टू होम हो रहे हैं यहाँ। और ये अपना ऋषिकेश नगरी है, ऋषिकेश शहर। शाम हो चुकी है, चलिए कोशिश करते हैं कि यहाँ का आरती आपको दिखा। यहाँ आरती भी बहुत भव्य होती है, गंगा जैसे अपने बनारस में होती है। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं शाम के वक्त शत्रुघ्न घाट पे। यहाँ भी आरती काफ़ी अच्छी होती है। चलो भाई, सब लोग आरती करके निकल रहे हैं भाई। ये घाट जो है, इसका घाट का नाम शत्रुघ्न घाट है और यहाँ की भी अपनी एक महत्ता है। यहाँ बताया जाता है कि शत्रुघ्न जी, जो कि राम जी के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने आके यहाँ पे तपस्या की थी और उनके तपोबल की वजह से यहाँ पे गंगा जी काफ़ी शांत है। यहाँ का आप देखेंगे कि यहाँ के बगल में ही जो शास्त्री वगैरह घाट है, वहाँ काफ़ी आवाज़ आती है गंगा जी का, लेकिन यहाँ पर आपको गंगा जी का कोई आवाज़ नहीं आएगी। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि शत्रुघ्न जी का जो था तपोवल का प्रभाव है कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी शांत है। भगवान शत्रुघ्न जी की मंदिर है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे टाइम पे हम लोग पहुँचे हैं, आरती अभी हो ही रही है। चलिए फटाफट आरती करते हैं। चलो विंडो तो कर तो आज की सारी प्लानिंग एग्जीक्यूट करके हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश पे, जहां से हमारी ट्रेन है। ये है आपका रेलवे स्टेशन और सामने आके खड़ी हो चुकी है हमारी ट्रेन जिसका नाम है दून एक्सप्रेस, जो कि 12 से 13 घंटे में मुझे लखनऊ पहुंचा देगी। और इसी के साथ हमारा देहरादून ऋषिकेश मसूरी का ट्रिप भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं और मन में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर प्लीज़ करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।